आपका मायापुरी कट पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा, यानी कि पूरे इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अक्सर ही अपने प्रोजेक्ट्स और पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने भले ही अपने फिल्मी करियर में कम ही फिल्में की हो, लेकिन जितना भी काम किया है वो हमेशा पसंद किया गया है। और आज सुष्मिता सेन अपना 47th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सुष्मिता सेन ने अपने इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर एक सेल्फी भी शेयर की है। अपनी इस फोटो के साथ सुष्मिता सेन ने एक प्यारा सा नोट भी शेयर किया है। उनके स्पेशल डे पर उनके फैंस उन्हें ढेरों बधाइयां और बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। द न्यू मॉमी इन बी टाउन आलिया भट्ट की हर एक अपडेट जानने के लिए मुझे पता है कि आप लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं और उनकी प्यारी सी बेबी की फोटो देखने के लिए भी आप लोग बेताब हैं। लेकिन चलो, उनकी बेबी तो नहीं, लेकिन आलिया की नई तस्वीर जरूर सामने आई है। दरअसल आलिया के सिस्टर शाहीन भट्ट ने उनकी एक पिक्चर शेयर की है। इस पिक्चर में आलिया और शाहीन साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन पता है फोटो की सबसे अच्छी बात क्या है? ब्लू स्काई वाला बैकग्राउंड। आलिया की इस पिक्चर पर फैंस के भी काफी पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे आपको उनकी ये पिक्चर कैसी लगी? तमिल सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वैसे उनका ये बर्थडे इस साल काफी स्पेशल रहा, क्योंकि इसी साल उनकी शादी भी हुई और उनकी लाइफ में दो प्यारे बच्चे भी आ गए। और उनके बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए उनके पति विघ्नेश शिवन ने एक बेहद प्यारा नोट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन ने अपनी और नयनतारा की कुछ बड़ी ही रोमांटिक पिक्चर शेयर की हैं। फिल्म मेकर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक लंबा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है वो एक बार आप खुद ही देख लीजिए। फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हुई थी। पुरी जगन्नाथ ने फिल्म को डायरेक्ट किया था, वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर थे। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस फिल्म को लेकर ईडी ने मेकर्स और डायरेक्टर से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की है। दरअसल ईडी उस कंपनी या लोगों के नाम जानना चाहती है जिन्होंने लाइगर के लिए फंड दिया था। ईडी का मानना है कि फिल्म को बनाने के लिए काले धन और विदेशी पैसों का इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई नेताओं ने फिल्म में काला धन लगाया है। पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त वो दुबई में फिल्म फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंची हैं। ऐसे में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिंगर गुरु रंधावा के साथ देर रात कपल डांस करती हुई दिख रही है। वैसे वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। आपको उनकी ये वीडियो कैसी लगी? सबके फेवरेट पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वैसे इस वीडियो में गिप्पी काफी डैशिंग भी लग रहे हैं। वीडियो में गिप्पी ने ब्लैक पैंट और शर्ट के साथ एक ब्लू कलर की जैकेट कैरी की हुई है, जिसमें वो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। ये लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भोजपुरी फिल्मों के मशहूर एक्टर प्रेम सिंह इन दिनों काफी खुश हैं, और खुश हो भी क्यों ना। हमेशा से जिस तरह की फिल्म वो करना चाहते थे, उस तरह की फिल्में जो उन्हें करने का मौका मिल गया है। जी हाँ, प्रेम सिंह इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट हैं भोजपुरी फिल्मों की क्वीन रानी चैटर्जी। फिलहाल तो ये एक अनटाइटल्ड फिल्म है, लेकिन सामने आई फोटोज से ऐसा लगता है कि उन्हें साथ में सेट पर काफी मजा आ रहा है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से उनकी तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीते दिनों पवन सिंह और ज्योति के बिगड़े रिश्तों ने सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचाया था। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति ने कुछ दिनों पहले पवन सिंह और उनके चाहने वालों पर पलटवार करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी। अब इस पोस्ट में यूजर्स की नजर ज्योति के सिंदूर पर पड़ गई है। ज्योति सिंह को सिंदूर लगाए देख सोशल मीडिया यूजर्स उनके सामने कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अलग होने के बाद भी उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे की सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।